अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास फॉर ग्रेड 6 सब्जेक्ट साइंस। टुडेज लेक्चर नंबर इज 8, यूनिट नंबर 7 एनर्जी। स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक्स हमने डिस्कस करने हैं, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन एनवायरनमेंट, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एनर्जी कन्वर्टर्स, फिर सोर्सेज ऑफ एनर्जी को डिस्कस करेंगे एंड देन न्यू सोर्सेज ऑफ एनर्जी को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इसके अलावा मैं आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन टॉपिक से रिलेटेड मार्क करवाऊंगी, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करना है और उस एक्स्ट्रा क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद भी करना है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, हम इस यूनिट का बुक वर्क करेंगे और उसके बाद इस यूनिट के MCQs करेंगे। बुक वर्क जो है वो आपने अपनी बुक्स पे नीट वे में नोट डाउन करना है और उसको याद भी करना है। इसके अलावा जो MCQs हैं वो आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं और उन MCQs को भी आपने अच्छे से याद करना है। नाउ पेज नंबर 72, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन एन एनवायरनमेंट। ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी कि एनवायरनमेंट में एनर्जी किस तरह से ट्रांसफर होती है। फूड चेन में जो फूड है यानी जो हमारी खुराक है, जो एक फूड चेन चलती है, उसमें क्या होता है कि जो हमारी खुराक है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। और फिर जो वो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय ट्रांसफ़र वो हो जाती है किसमें, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र हो जाती है, इसको हम फूड चेन कहते हैं। स्टूडेंट्स, आप सब जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो ट्रैप करते हैं सन एनर्जी को, ठीक है। जब प्लांट्स सनलाइट को यूज़ करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। और फिर वो ग्लूकोज बना देते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। फिर जो प्लांट्स में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, फिर उससे क्या होता है कि ये जो एनर्जी है सपोर्ट करती है किसको, एनिमल्स को, खासकर वो एनिमल जो के पौधे खाते हैं, ठीक है। और फिर जो जो एनिमल्स पौधे खाते हैं उनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं। इसके अलावा इंसान जो हैं, जो ओमनीवोर्स हैं, वो भी प्लांट से एनर्जी हासिल करते हैं, प्लांट से खुराक हासिल करते हैं यानी फूड हासिल करते हैं। और इसके अलावा जो प्रीडेटर्स होते हैं, फिर वो उन जानवरों को यानी कि जो शिकारी होते हैं वो उन जानवरों को खा लेते हैं, ठीक है, उनका शिकार करते हैं जो कि घास खाते हैं। लिविंग थिंग्स जो हैं, अगर लिविंग थिंग्स की बात की जाए, वो तीन तरह के होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, कंज्यूमर होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। जो प्रोड्यूसर होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, जो प्लांट्स हैं वो अपनी जो खुराक है वो खुद बनाते हैं। कंज्यूमर वो होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं कंज्यूमर्स जो अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है। यानी कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है, जैसे कि एक एलिफेंट वो कंज्यूमर के एग्जाम्पल में आ सकता है। इसके अलावा जो कंज्यूमर्स होते हैं वो भी तीन तरह के होते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स और टर्शरी कंज्यूमर्स, जैसे कि हम इसको ये भी कह सकते हैं हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और उसके बाद एन पे क्या होते हैं, डिकम्पोजर्स, मैंने आपको बताया था। डिकम्पोजर्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स को फीड करते हैं यानी उनको खाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। अब होता क्या है कि जो लिविंग थिंग्स हैं, जो एक फूड चेन चलती है, वो किस तरह से चलती है। सबसे पहले प्रोड्यूसर जो है वो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, उसके बाद जो कंज्यूमर्स होते हैं वो अपनी खुराक के लिए दूसरों पर डिपेंड करते हैं, यानी कि वो उनसे खुराक हासिल करते हैं प्रोड्यूसर से, और उसके बाद फिर कंज्यूमर से कौन खुराक हासिल करता है, एनर्जी कौन लेता है, डिकम्पोजर्स लेते हैं। इस तरह से क्या होता है कि एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे का शिकार करते हैं, ठीक है। पहले वो प्लांट से अपनी एनर्जी हासिल करते हैं, उसके बाद एनिमल्स जब उस एनर्जी को हासिल करते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि दूसरे एनिमल्स उसको खाते हैं, ठीक है। और इस तरह से जो एनर्जी है वो पास होती रहती है, एक मतलब ट्रांसफ़र होती रहती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में, और इस तरह से जो फूड चेन जो है वो चलती रहती है। नाउ नेक्स्ट पेज नंबर 73, एनर्जी कन्वर्टर्स। एनर्जी कन्वर्टर्स, एनर्जी के बारे में मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स कि एनर्जी को हम एक टाइप से दूसरी टाइप में ट्रांसफ़र ज़रूर कर सकते हैं यानी कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं, बट एनर्जी जो है वो कभी भी खुद से पैदा नहीं हो सकती, ना ही डिस्ट्रॉय हो सकती है। ये देखिए, जो जो रेडियो है वो कन्वर्ट होता है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और फिर साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो टेलीविजन है वो कन्वर्ट होता है लाइट एंड साउंड एनर्जी में, ठीक है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और देन दोबारा से वो साउंड और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रिक ड्रिल है, ये किसमें चेंज होता है यानी कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। वॉशिंग मशीन जो है वो चेंज होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में।
कैलकुलेटर जो है वो चेंज होता है किससे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक आयरन है वो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कन्वर्ट किस में हो जाती है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह जो इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब है कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और फिर हीट एंड लाइट एनर्जी जो है उसे हमें आपको वो प्रोवाइड की जाती है। द ब्रेक्स जो होती हैं, ठीक है, जो व्हीकल्स की ब्रेक्स होती हैं, जो हम ब्रेक्स लगाते हैं, वो किस में चेंज होती हैं, पहले काइनेटिक एनर्जी में और फिर हीट एनर्जी में। टेलीफोन जो हैं वो चेंज होते हैं साउंड एनर्जी में, ठीक है, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं और फिर दोबारा से साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह जो झूला स्विंग यानी कि जो झूला है वो चेंज होता है पहले किस में, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में और फिर काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी तरह ये सिलसिला चलता रहता है। नाउ पेज नंबर 74, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। एनर्जी के अब सोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एनर्जी के कुछ ऐसे सोर्सेज होते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्राइमरी सोर्सेज, ठीक है। प्राइमरी सोर्सेज अब कौन कौन से होते हैं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ ऑयल, न्यूक्लियर फ्यूल, वाटर पावर, ये सब किसके अंडर आती हैं, प्राइमरी सोर्सेज के अंडर आती हैं। अब अगर आप कोल या ऑयल को बर्न करें, ठीक है, या न्यूक्लियर फ्यूल को आप न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ करें या वाटर पावर डैम के थ्रू आप उसको यूज़ करें, उस एनर्जी को आप इनमें से कोई भी जो प्राइमरी सोर्स है उनको यूज़ करें तो आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी इज़ द सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें से कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि रीन्यूएबल हैं और कुछ ऐसे सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो कि नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज, बिकॉज वंस दे हैव बीन यूज्ड अप दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड। अच्छा, ये ऐसे सोर्सेज होते हैं कि अगर आपने एक बार यूज कर लिया तो आप नया वैसा सोर्स नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस, जो ये जो हैं ये जो सोर्सेज हैं ये ज़मीन के नीचे होते हैं और बहुत ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं। अगर आप इन सारों को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लें तो इनको बनने में मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं, आप इनको नया नहीं बना सकते और ना ही आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे रीन्यूएबल सोर्सेज। सोर्सेज ऑफ एनर्जी डेट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन आर कॉल्ड रीन्यूएबल सोर्सेज। एनर्जी के ऐसे सोर्सेज जो बहुत ज़्यादा मकदार में आपके पास मौजूद हैं और जब तक हमारी कायनात है ये सोर्सेज हमें मिलते रहेंगे। आपको पता है जैसे कि जो न्यू एनर्जी सोर्सेज हैं जैसे कि विंड पावर यानी विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, वाटर एनर्जी एंड जियोथर्मल एनर्जी, इन सब में से ये जो ऐसे सोर्स हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सो ये वाले जो सोर्स ऑफ एनर्जी हैं ये रीन्यूएबल हैं, क्योंकि अगर हम इनको यूज़ कर भी लें तो भी इनकी बहुत बड़ी मकदार हमारे पास स्टिल मौजूद ही रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक इज सोलर एनर्जी। लाखों पावर स्टेशन, ठीक है, यानी कि जो मिलियंस ऑफ पावर स्टेशन हैं उनके ज़रिए से तब्दील होने से कहीं ज़्यादा जो सूरज की एनर्जी है वो ज़मीन तक पहुँचती है। हम सोलर पैनल्स इस्तेमाल करके अपने घरों में पानी जो है वो गर्म करने के लिए सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये शीशे का सबसे ऊपर वाला खाना है, ठीक है, जो बिल्डिंग की छत पर यानी कि जो इमारत है उसकी छत पर फिक्स होता है और इसका जो सामना होता है वो सूरज से होता है, यानी इसका सूरज के सामने उसको फेस करता है। खाने के अंदर का जो कलर यानी कि जो बॉक्स के अंदर का जो कलर होता है वो कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। बॉक्स के अंदर पाइपों से पानी बहता है। दिन की रोशनी के दौरान ये जो पानी है ये सूरज की एनर्जी से गर्म होता है। नेक्स्ट सोलर सेल्स सूरज की एनर्जी को इस्तेमाल करने का एक और तरीका फ्राहम करता है। हर सेल लेयर से मिलकर बना हुआ होता है जो उस पर रोशनी पड़ने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा करता है। सोलर सेल सूरज की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। वॉचेस और जो कैलकुलेटर्स हैं सोलर सेल्स के साथ इनको फिट किया जा सकता है, यानी कि जो वॉचेस हैं और जो कैलकुलेटर्स हैं उनके अंदर भी सोलर सेल्स जो हैं वो फिट किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है विंड एनर्जी। हज़ारों साल पहले
जो विंड है वो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज़ की जा चुकी है, ठीक है। अब जो शिप्स हैं उनको भी ज़रूरत होती है विंड पावर्स की, ठीक है, ताकि वो सेल कर सकें और पुश कर सकें। इसी तरह जो विंड मिल्स थे वो यूज़ किए जा चुके थे एज अ टर्न करने के लिए ग्रेन स्टोन्स को और पंपिंग वाटर के लिए। आजकल में क्या होता है कि जो विंड मिल्स हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाई जाती है उनका इस्तेमाल करके, और जो विंड मिल्स हैं वो क्या करते हैं कि हवा की जो काइनेटिक एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। वाटर एनर्जी, वाटर एनर्जी जो वाटर है वो लेक्स में रिवर्स में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, ठीक है। अब वाटर एनर्जी जो है यानी कि जो सी वेव्स हैं यानी समुद्र की जो लहरें हैं वो इस एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर देती हैं, ठीक है। अब जो लाइन ऑफ रॉड्स हैं यानी जब वो समुंदर पर फ्लोट करती हैं लाइन ऑफ रॉड्स, तो कभी वो मूव अप वेव्स के साथ जो है वो मूव अप करते हैं, कभी डाउन करती हैं, और फिर जो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी जो ज़मीन के अंदर जो हीट है, ठीक है, ज़मीन के नीचे की हीट को हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं, जो कि ज़मीन के नीचे हमेशा रहेगी। ज़मीन का जो मरकज़ है यानी जो सेंटर है, ठीक है, वो बहुत गर्म है और जो इसका टेम्परेचर है वो तकरीबन जो है वो 6000 जो है वो सेंटीग्रेड बारे में बताया जाता है, ठीक है। यह हरारा ज़मीन के जो गिर्द गिर्द चट्टानों हैं और जो चट्टान की तहों के दरमियान फंसे हुए पानी तक जो ज़मीन के सरफेस तक फैलता है, ठीक है। और इंजीनियर्स ने इसको गर्म पानी या नदी के बतौर ज़मीन से बाहर फेंक कर एनर्जी का एक नया जरिया ढूंढ लिया है। नाउ क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन रीन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज। स्टूडेंट्स, आपने इनका डिफरेंशिएट बताना है यानी इनका डिफरेंस बताना है दोनों का, ठीक है। आपने एक तरफ रीन्यूएबल सोर्सेज लिखना है, ठीक है, और एक तरफ आपने नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के बारे में बताना है। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं रीन्यूएबल सोर्सेज को। सोर्सेज ऑफ एनर्जी डैट कैन बी यूज्ड ओवर एंड ओवर अगेन आर कॉल्ड रीन्यूएबल सोर्सेज। फिर आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है, विंड पावर, वाटर पावर एंड सोलर एनर्जी, ठीक है। उसके बाद आपने मीट में एक लाइन लगानी है और उसके बाद आपने नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज की हेडिंग देनी है। फिर नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज के बारे में बताना है, प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज बिकॉज वंस दे हैव बीन यूज्ड अप दे कैन नॉट बी रिप्लेस्ड, फॉर एग्जांपल कोल एंड नेचुरल गैस। स्टूडेंट्स, ये आपका एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ठीक है, और ये वाला क्वेश्चन आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करना है और इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद भी करना है। नाउ पेज नंबर 77 बुक वर्क पार्ट 2 फिल इन द ब्लैंक्स। ए है ऑल लिविंग थिंग्स नीड डैश टू वर्क एंड मूव, और फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा, एनर्जी। बी प्लांट्स यूज सोलर एनर्जी टू मेक देयर फूड। सी फॉसिल फ्यूल्स रिलीज हीट एनर्जी व्हेन दे आर बर्न्ट। डी पेट्रोल प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर मशीन्स एंड इंजन्स टू वर्क। ई मूविंग एटम्स हैव काइनेटिक एनर्जी। एफ फायरवर्क्स हैव केमिकल एनर्जी। जी फूड रिलीजेस एनर्जी आफ्टर इट हैज बीन डाइजेस्टेड इन द बॉडी। एच द स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड फिशन। आई द स्क्वीजिंग टूगेदर ऑफ एटम्स इज कॉल्ड फ्यूजन। जे व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डिके दे गिव ऑफ अ गैस कॉल्ड बायोगैस। पार्ट 3 नेम द काइंड्स ऑफ एनर्जी यूज्ड इन। ए है अ क्लॉक टॉय, कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी। उसके बाद बी एंड इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इसके आगे आपने लिख देना है। सी फूड, फूड के आगे आपने केमिकल एनर्जी लिख देना है। डी द फिशन एंड फ्यूजन ऑफ एटम्स, न्यूक्लियर एनर्जी। ई साउंड वेव्स, साउंड एनर्जी। एफ फॉसिल फ्यूल्स, केमिकल एनर्जी। जी अ बॉल ऑन अ शेल्फ, पोटेंशियल एनर्जी। एच अ मूविंग कार, काइनेटिक एनर्जी। आई अ लाइट बल्ब, इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
स्टूडेंट्स, ये बुक वर्क आपने अपनी बुक्स पे नीट वे में नोट डाउन करना है और इस बुक वर्क को आपने अच्छे से याद भी करना है। नाउ एमसीक्यूज, फर्स्ट एमसीक्यूज है द एनर्जी ऑफ द सन इज कॉल्ड डैश लूनर एनर्जी, सोलर एनर्जी के इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? सोलर एनर्जी। टू है ऑयल एंड कोल आर कॉल्ड डैश। ए ऑप्शन है पेट्रोल फ्यूल्स, बी डीजल फ्यूल्स, सी फॉसिल फ्यूल्स। और करेक्ट ऑप्शन क्या है? फॉसिल फ्यूल्स। थर्ड, मूविंग एटम्स हैव डैश एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। फोर, डैश एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजिशन। करेक्ट ऑप्शन क्या है? पोटेंशियल। फाइव, द वाइब्रेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी ट्रेवल इन एयर एज डैश वेव्स। करेक्ट ऑप्शन क्या है? साउंड। सिक्स, फायरवर्क्स हैव डैश एनर्जी विच इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ साउंड हीट एंड लाइट। करेक्ट ऑप्शन क्या है? केमिकल एनर्जी। सेवन, स्प्लिटिंग ऑफ एटम्स इज कॉल्ड डैश। करेक्ट ऑप्शन क्या है? फिशन। एट, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस डैश एनर्जी फॉर आवर बॉडी। करेक्ट ऑप्शन क्या है? हीट। नाइन, व्हेन बायोगैस मिक्सिस विद कार्बन डाइऑक्साइड गैस डैश गैस इज प्रोड्यूस्ड। और करेक्ट ऑप्शन क्या है? मीथेन। टेन, एनर्जी फ्रॉम द ग्राउंड इज कॉल्ड डैश। करेक्ट ऑप्शन क्या है? जियोथर्मल एनर्जी। स्टूडेंट्स, ये MCQs इस यूनिट के यूनिट नंबर 7 एनर्जी के जो MCQs हैं, ये आपने अपनी कॉपीज पे नीट वे में नोट डाउन करने हैं और इन MCQs को आपने याद भी करना है।